आई वेलकम मिस्टर रियाज वार्ड 20 काउंसलर टू कम ऑन डायस. आई वेलकम मिस्टर जुबेर सुप्रीम बॉडी प्रेसिडेंट तंजीम टू कम ऑन डायस एंड डॉक्टर समी अमान डायरेक्टर फैजान एजुकेशनल सोसाइटी मिस्टर एम ए लतीफ सोशल एक्टिविस्ट एंड मिस्टर फखरुद्दीन मेवा प्रेसिडेंट. गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल. टुडेज डे इज गोइंग टू बी मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ. आई मोहम्मद मजर वेलकम यू to this wonderful session. Who wants to go for MBBS, BHMS, BUMS, BAMS and BDS? Applause. Hello. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. शुरू करता हूँ मेरे नाम से अल्लाह के जो खालिक है कायनात है रहमान है रहीम है करीम है. ये मेरी खुशबख्ती है खुशनसीबी है. द मोस्ट प्रिविलेज्ड डे फॉर मी दैट टुडे आई एम ऑन द डैश शेयरिंग विद द मोस्ट एमिनेंट पर्सनैलिटी ऑफ तेलंगाना स्टेट आवर बिलवड हेल्थ मिनिस्टर श्री हरीश राव गारू. सर आई वेलकम यू हार्टली and I request all of you to give a big hand and applause for because such meetings are never attended by very busy people and he is the most busiest person. Even then he has provided some of his time. It's very fortunate for us. Actually sir mai jo hai na saab se खुद पर्सनली मिलने की जमाने से कोशिश कर रहा हूँ और कई वीडियोज भी मैं बना के साहब के पास जो है ना भेजने की कोशिश भी किया लेकिन मुझे प्रॉपर जो है ना चैनल नहीं मिल रहा था क्योंकि हमारे पास मैं सिर्फ एक ही बात करना चाह रहा हूँ. मैं काउंसलिंग का प्रोसीजर तो बाद में बताऊंगा आप लोगों को. अभी साहब से मैंने इजाजत ली है इस बात करने की कि KNREHS के तहत हमारे पास जो आंध्र प्रदेश बाइफर्केट होने से पहले रूल था के तीन यूनिवर्सिटी है हमारे उस्मानिया यूनिवर्सिटी आंध्रा यूनिवर्सिटी श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी और हर यूनिवर्सिटी का जो कैंडिडेट है वो एक दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 15% के लिए एलिजिबल है जो मेरिट बेसिस पे होता है. लेकिन हमारे पास तरीका यह है कि जीओ नंबर 114 जो 2017 में बनाया गया उसमें भी ये बात बताई गई कि द अनरिजर्व कैटेगरी शुड बी कंसिडर्ड इन द लाइट ऑफ जीओ एमएस नंबर 42. लेकिन KNREHS इस जमाने में कि वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है. मैं हालांकि पर्सनली रजिस्ट्रार से जाके मिला था वरंगल में. उन्होंने कहा कि भाई अगर चाकू की प्रॉब्लम है तो आप राइटिंग में दीजिए हम देखेंगे अगर उससे भी आगे आपका प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट में केस कीजिए. तो बहरहाल जो भी है तो उसका रूल ये है साहब एक्चुअली कि जो 15% कैंडिडेट होते हैं हमारे जो लिस्ट बनती है प्रोविजनल लिस्ट जो बनती है पूरे कैंडिडेट की जो हमारे स्टेट के कैंडिडेट की बनती है उसमें फर्स्ट 15% की एक डिवीजन होता है. नीचे के जो 85% के जो कैंडिडेट होते हैं उसका एक डिवीजन होता है. फर्स्ट 15% में अनरिजर्व भी आ जाते हैं लोकल भी आ जाते हैं नॉन लोकल भी आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. लेकिन जब 85% का नीचे का जो मामला आता है तो 85% में सिर्फ और सिर्फ लोकल कैंडिडेट को लेने का यानी तो उसमें वो बता दिया गया है और उसमें कहा गया है कि अगर इस 85% में नॉन लोकल या अनरिजर्व किसी और यूनिवर्सिटी के बच्चे आते भी हैं तो दे शुड बी रिमूव एंड रिप्लेस्ड विद लोकल कैंडिडेट. तो ये नहीं हो रहा है सब जिसकी वजह से तेलंगाना के काफी बच्चों का हर साल नुकसान हो रहा है इरेस्पेक्टिव ऑफ कैस्ट क्रीड एंड रिलीजन. तो मैं हिसाब से जो है ना गुजारिश करूंगा कि मुझे किसी दिन आपके जितने भी यानी मसरूफियात है उसमें से कभी एक 5-10 मिनट मुझे अगर आप दे देंगे तो मैं पर्सनली हिसाब से मिलके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. तो मैं प्रोसीजर की तरफ बाद में आऊंगा क्योंकि साहब का वक्त बहुत कीमती है हमको साहब को सुनना है. तो मैं चाहूंगा कि आगे का प्रोग्राम जो है ना एंकर आगे क्या करना है उसको करें. हमारा जो प्रोग्राम प्रोसीजर जो होगा वो इंशाल्लाह बहुत लेंदी है 3.5 से 4 घंटे मुझे खड़े के बोलना पड़ता है तो साहब उतना टाइम तो मुझे नहीं देंगे क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसीजर है. मिनिमम 3 आवर्स आई हैव टू टेक टू एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग ऑफ नीट MBBS में जो एडमिशन होते हैं. तो हम साहब जाने के बाद आराम के साथ हम बैठ के जो है ना प्रोसीजर को समझेंगे. बस साहब से मेरी एक ही गुजारिश है कि हमारे बच्चों के साथ ये जो नाइंसाफी हो रही है उसके लिए जो है ना कई बार साहब को नॉलेज में बात आई होगी नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है. तो वो अगर साहब मुझे कभी टाइम देंगे 5-10 मिनट काफी है उसके लिए. मैं जियो की कॉपी लेके बैठूंगा साहब के साथ बता दूंगा अगर उसके लिहाज से करेंगे तो हमारे तेलंगाना के काफी बच्चों का फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह. Now I would like to request Mr. Riaz
ward 20 counselor to come and say few words. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. नमस्कार। आज यहाँ पे मैं हमारे पास तेलंगाना के अंदर जो हमारे मिश्रा साहब हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे मिश्रा ईश्वर साहब का और हमारे चेयरमैन साहब राजू साहब, हमारे पाला से रमना और हमारे मेहमान खुशी से अब्दुल रफ साहब का। आज का अहम मकसद ये है कि आज तेलंगाना के अंदर कई मेडिकल कॉलेज और कई चीज़ें का एजुकेशन के अंदर जो सिद्दीपेट के अंदर एजुकेशन हब बनाया गया है हमारे मिश्रा साहब, उसी के ताल्लुक से रखते हुए हम हमारे जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम दिखे हैं उसकी काउंसलिंग के लिए हम हमारे एडवाइज गेस्ट जो है अब्दुल रफ साहब को टाइम लेकर पे लिखा है, जो हमारे मिश्रा साहब हर चीज़ में हर मुद्दे में हम सबको आगे रखने के लिए ये करते हैं। सिद्दीपेट हर जगह में आगे रहना बोल गए, इसीलिए हमारे सिद्दीपेट के बच्चे कई डॉक्टर्स बनना बोल गए। हमारी भी ख्वाहिश है कि सिद्दीपेट से ज़्यादा से बच्चे डॉक्टर्स बने बोलकर। इसी के तहत हमारे मिश्रा साहब मेडिकल कॉलेज और सुरभि कॉलेज जो मेडिकल के लिए कॉलेज लेके हैं, इसी के तहत हमारे बच्चे आगे बढ़ना बोल के लिए और स्पेशली थैंक्स करना चाह रहा हूँ के साथ इस मौके पे हमारे पास आए और हमारी हिम्मत अफजाई करे बोल के मैं हमारे मिश्रा साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। अभी हमारे मिश्रा साहब दो चीज़ें बताएंगे सर। हमारे काउंसलर रियाज भाई, राजनर्सु साहब, पाला साईराम साहब, जनाब अब्दुल रबी आरिफ साहब, तंजीम के सदर साहब जुबेर साहब, लतीफ़ भाई, फ़क्रुद्दीन साहब, समी साहब, समी अमान साहब, तमाम बहनों भाइयों सबको सलाम अलैकुम। आज तेलंगाना में बहुत सारे MBBS सीट्स बढ़ गए। तेलंगाना आने से पहले गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ 800 सीट रहते थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS के लिए 800 सीट रहते थे, लेकिन ये साल में 2840 सीट होने वाला है, चार गुने बढ़ गए। 70 साल में 800 सीट लाए तो 7 साल में 2840 सीट गवर्नमेंट में MBBS में हम सीट देने वाले हैं। बोले तो इसके पहले क्या होते थे, बहुत सारे बच्चे और बच्ची MBBS पढ़ना चाहते थे, या सीटा कमी के वजह से कर्नाटका या महाराष्ट्र में 20 लाख 25 लाख 50 लाख पैसे नहीं बढ़ सकते थे, इस वास्ते बहुत सारे बच्चे यूक्रेन जाते थे, रशिया जाते थे, फिलीपीन जाते थे, चाइना भी जाके पढ़ते थे। अभी उतना दूर जाने का जरूरत नहीं है, अपने CM KCR साहब ने हर जिले में पूरे 23 जिले में जिले को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रखने के लिए ऐलान करें। 23 में अभी 17 कॉलेज तैयार हो गया, ये साल 17 कॉलेज में 2840 सीटों के लिए काउंसलिंग होने वाला है, अगले साल और 9 कॉलेज हम ऐड करने वाले हैं, उसके लिए पूरा कोशिश चल रहा है। तो मैं इसे क्या बोलना चाह रहा थे, आप लोगों को अभी कहीं यूक्रेन रशिया चाइना जाने का जरूरत नहीं है, अभी तेलंगाना में ही पढ़ सकते, वो भी अभी सिद्दीपेट में पढ़ सकते आप लोग। सिद्दीपेट में अभी 2 कॉलेज हो गया, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। प्राइवेट में भी आधा सीट काउंसलिंग पे ही करते हैं, 50% सीट मेरिट पे काउंसलिंग पे एडमिशन होता है। अपने सिद्दीपेट जिले में अभी 3 कॉलेज हैं और एक है RVM कॉलेज गजवेल में है, 2 कॉलेज सिद्दीपेट में हैं। एक जमाने में तो एक कॉलेज भी नहीं था, पूरे लोग हैदराबाद जाना था। अभी सिद्दीपेट जिले में 3 मेडिकल कॉलेज है बच्चों पढ़ने के लिए,
सो आपके लिए अभी सहूलत बढ़ गया, कहीं दूर जाने का जरूरत नहीं है, सीट आप बढ़ गए, थोड़ा भी अच्छा पढ़ लिए जरूर सीट आपको निकाल के यहीं पढ़ सकते हैं। इसके लिए अभी हमारे अब्दुल रबी आरिफ साहब ने सीट कैसा लाना, कैसा पढ़ना चाहिए, उसके लिए कैसा कोशिश करना चाहिए, वो सब आपको बताएंगे। माइनॉरिटीज के लिए तो और भी मौका है, थोड़े माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पर ज्यादा और एडमिशन रहता अपने को, माइनॉरिटी बच्चे को और एडमिशन वहां अच्छा मिल सकता अपने का, बहुत मौका रहता मेरिट में छोड़ के। थोड़े माइनॉरिटी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर और भी आप पढ़ने के लिए बहुत अच्छा मौका आपके लिए रहेंगे। सो बच्चों कोई डर नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से पढ़ना, मैं जरूर सीट ला तुम बोल के कॉन्फिडेंस से आप पढ़ लिए, जरूर आप सीट मारेंगे, जरूर आप सीट मिलेगा आप लोगों को। लेकिन कॉन्फिडेंस छोड़ना नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना। मैं परसों सिद्धिपेट मेडिकल कॉलेज गया था, वहां पर तो पूरे लड़कियां हैं, चार आना बच्चे हैं तो 12 आना बच्ची हैं। अब यहां भी ऐसा ही दिख रहा है मेरे, यहां भी बच्ची ज्यादा दिख रहे मेरे, खुशी की बात है। अच्छा पढ़ो, मैं बाद में मालूम करा पूरे तेलंगाना में ऐसा ही करते, कोई मेडिकल कॉलेज है ज्यादा बच्ची पढ़ रहे, आजकल बच्चे कम पढ़ रहे हैं। सो और अच्छा पढ़िए आप लोग, आपके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है। अभी सिद्धिपेट मेडिकल कॉलेज में पीजी भी शुरू हो गया, ये साल से 50 पीजी सीट भी आ गए सिद्धिपेट मेडिकल कॉलेज में। यह नहीं कि सिर्फ MBBS नहीं, बाद में MS भी बन सकते, MD बन सकते, जो चाहे वो पढ़ सकते, पूरे कोर्सेस सिद्धिपेट में पीजी का भी ये साल से हम शुरू कर दिए। सो इतना अच्छा चांस आ गए, आज जो आप पढ़ना चाहते हो वो अभी सिद्धिपेट में तैयार है। और आपके लिए और एक अच्छा खुशी की बात बोलना, मैं अगले साल से बोले तो आने के एकेडमिक ईयर से बी फार्मेसी कॉलेज भी सिद्धिपेट में खुल रहे हैं। अगर से बाई चांस कोई MBBS मिसोगे, उनके लिए बी फार्मेसी कॉलेज को कल मैं नारियल फोड़ने वाला हूँ, कल सुबह 11 बजे मेरा प्रोग्राम है, कल सुबह 11 बजे नया बी फार्मेसी कॉलेज के लिए फाउंडेशन डाल रहा हूँ कल। बोले तो वो भी आ गया, आगे लॉ कॉलेज भी आ रहा सिद्धिपेट में, लॉयर भी बन सके, डॉक्टर भी बन सके, वेटरनरी डॉक्टर भी बन सके, या जर्नलिस्ट भी कोर्स है सिद्धिपेट में, MA जर्नलिज्म कोर्स है सिद्धिपेट PG कॉलेज में, जो चाहे आप बन सकते, जो चाहे आप पढ़ सकते। इसके पुराने जमाने में जैसा हैदराबाद जाने का जरूरत नहीं है, सब कुछ सिद्धिपेट आ चुके हैं, लेकिन आप इसका फायदा उठाना, इसके लिए आप लोग अच्छा पढ़ के आपके अपने माँ बाप को अपने सिद्धिपेट का नाम रखना चाहिए, बस उतना ही मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं है। भाइयों बहनों और आगे भी सिर्फ MBBS ही नहीं, बी फार्मेसी कर सकते, MBBS कर सकते, इसके साथ साथ यूनानी का, आयुर्वेदा का, होम्योपैथी का, नेचुरोपैथी का भी सीरियस रहते हैं, वो भी पढ़ सकते, उसके भी फ्यूचर बहुत है। सो आप लोग जरा अभी से उसका ट्रेनिंग करिए, अभी से पढ़ना शुरू करिए। माइनॉरिटी कॉलेजेस भी है हैदराबाद में, किसी ना किसी में सीट मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा अच्छा पढ़ लेना, जरा TV सीरियल देखना बंद करना, ये सोशल मीडिया थोड़े दिन के लिए बंद कर देना, जरा 6-7 महीने अच्छा पढ़ो, पूरा जिंदगी बदल जाएगा। इसके लिए आप अच्छा कोशिश करिए, जनाब अब्दुल रबी आरिफ साहब ने आपको अच्छा ट्रेनिंग देंगे, अच्छा सुन लीजिए उनको, पूरा पूरा फायदा उठाइए। जो आरिफ भाई बताए उनको मैं हैदराबाद में टाइम देके वो जीवों में क्या कुछ भी अपने बच्चे के लिए बदलावत लाना है जरूर लाने के लिए पूरा पूरा मदद होगा। बस ये प्रोग्राम करने के लिए हमारे काउंसलर रियाज भाई को भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए तमाम आप सब लोगों से इजाजत लेता हूँ। I am very thankful to our you to please be seated. We'll begin our program very shortly. Please all of you be seated.